ओम शांति। 24 फरवरी 2021, आज की साकार मुरली, मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। कौन कहते? शिव भगवान आज। मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो। क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने वाला हूं। क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने वाला हूं। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते? जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उन बच्चों के मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर, तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ये बोल बच्चों, पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने तो गफलत मत करो, गफलत मत करो। बीत चला बचपन के दिन, भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने। अभी सिर्फ तुम्हारा मन बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद का बाप से हमें, हम बेहद का वर्षा ले रहे, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है, तो भी करना क्या है। ये नहीं समझते, ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंभट मच जाने में देर नहीं लगेगी। बस एक चिंगारी लगने की देर है,
सारे संसार को भ्रम और को आग लगने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो, बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहां तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। क्या करने आए हो? लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्प अंतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो, अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते। मीठे से मीठा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे आप नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती, दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। दुनिया को ये भी नहीं पता, कहते भी हैं भगवान, कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते ठिकर भीतर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं, हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है, भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना। कहीं भी रहे दुनिया में हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, फिर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए बाप को याद करना है। अर्थात चाहे कहीं भी रहे बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। तुमको श्रीमत मिलती है आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे
हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। सहज राज योग बल, तुम समझते हो, तुम समझते हो। योग से बहुत बल मिलता है, योग से बहुत बल मिलता है, समझते हैं। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, याद में ही माया विघ्न डालती है, याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, वे तो कहते गुरु का निंदक ठोर ना पाए, बाप कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। निराकार को का किसी को पता ही नहीं, निराकार बाप का किसी को पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है एक भगवान, साधु संत आदि सब भक्त है। भक्ति है गंगा, भक्ति है भक्त है भक्त ही सॉरी भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे, भक्त भक्तों को फल दें तो फिर भगवान को याद क्यों करें, भगवान को याद क्यों करें। ये है ही भक्ति मार्ग, सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले, जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों वाले को फल देंगे, नहीं। भक्ति माना भक्ति, रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे, वर्षा रचयिता से मिलता, वर्षा किससे मिलता है, रचयिता बाप से मिलता है। इस समय सब भगत है, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती, जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद और भक्ति ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी, सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं, तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बनने के बिगर तुम
बाप से वर्षा ले नहीं सकते। ब्राह्मण बने बिना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने बिना बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा तो हम के तो हम ही हैं, शिव बाबा के तो हम ही हैं। शिव बाबा को और कौन है, हम ही तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें तो शिव बाबा ने चुना है। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए, सारी धारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं परम धाम, वहां तो वर्षे व प्रलब्ध की बात ही नहीं है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रलब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता ही नहीं है। तुम ले रहे हो वो तो दुनिया वालों को पता ही नहीं। अब समय नजदीक आता जा रहा है, बॉम्ब्स जो दुनिया में बना के रखे हैं उनको क्या शोकेस में रखेंगे? बॉम्ब्स जो बना के रखे हैं वो कोई शोकेस में रखने के लिए नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे एक बाप को याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई ना पास होते हैं, जो स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसे बोलते हैं राज विद्या। तो राज विद्या में कोई ना पास होते हैं, कोई फेल हो जाता है तो जाकर डूब मरते हैं, गुस्से में आकर डूब मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ट्रेन के नीचे कर जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। यहां गुस्से की तो बात ही नहीं है क्योंकि वो गुस्से में जाकर डूब मरते हैं, और यहां यहां तो गुस्से की कोई बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वे भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। और बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हैं, करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है, तो बाबा कहते हैं कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो। आपको फुर्सत नहीं मिलती ना, अब आप समय स्पेशल निकालो बात को याद में बैठो। अब स्पेशल बात को याद करने का क्या मतलब होता है, बैठकर अपने आप को समझाना कि बाबा ने क्या करने के लिए मुझे कहा है और क्या करने के लिए बाबा ने मना किया। ये बैठकर अपने आप को समझाना है कि मुझे जो बाबा ने कहा है वो करना है, जो बाबा ने मना किया है वो मुझे नहीं करना है। सिंपल सी बात। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद। मिलकर बैठने से, इकट्ठा ग्रुप में बैठेंगे ना, मिलकर बैठने से याद अच्छी करेंगे, मदद मिलेगी कि वो भी याद कर रहा है, वो भी याद कर रहा है, मैं भी याद कर रहा हूं। मूल बात है बाप को याद करने की, बाप की श्रीमत मानने की।
कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो कि बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की श्रीमत पर चलना। बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने की बात नहीं, कहां भी जाने की बात नहीं। घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ा ही के सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे थोड़े ही सब क्लास में आकर पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने के लिए सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहां भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश हो। याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, बाप रचता से ही वर्षा लेना है, रास्ता बाप ही। रचता एक ही है, ढेर सारे रचयिता नहीं है। वे कितना सहज रास्ता बताते हैं, बाप को याद करने का मित्र मंत्र मिल गया। बाप कहते ये बचपन मत भुला देना, अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है
बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। जो ऐसे सोचते हैं कि जो किस्मत में होगा वो पुरुषार्थी नहीं। उनको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे जो ऐसी बातें बोलते हैं। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? सर्वोच्च बाप से ऊंचते ऊंच स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो कैसे नहीं जानना चाहिए? तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी डोएंगे। बाप को पूरा याद करो, याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर में हमारे भगत नहीं बनेंगे। तो प्रजा में नौकर जाकर बनेंगे, तो प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ा ही होना चाहिए। बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियां हैं हर्जा नहीं, फिर घर बैठ बाप को याद करते रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा। अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी के छिड़ी, रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते भी हैं गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। कहते थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे। पहले से ही कह देते हैं, बॉम्ब्स भी मगरूरी बहुत है, बॉम्ब्स का भी नशा बहुत है। बाप भी कहते हैं, बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हो, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। ऐसी लड़ाई लग जाए, बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, बच्चों ने पूर्व पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता ही नहीं किस से किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है,
मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक भूकंप, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आना है भारत के। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम है अर्थक्वेक। ये हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे, मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए मकान आदि गिरे, मौत आने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है, अर्थात बाप का चित्र रखना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगड़ हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो, कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ कार्य चिता पर आगे। मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो, तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। शिव बाबा का ज्ञान सबको देना है, यह हमारा उद्देश्य। बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है, वो कहते हैं मामिकम याद करो, मुझ एक को याद करो। तुम्हारे विकार विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान, अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, ढिलाई है, वो सब आपके जीवन आपकी आंखों में उजल हो जाएगी, हट जाएगी। कट उतरती जाएगी, दोष निकलते जाएंगे। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद कर सकेंगे। खुद बाप कहते हैं होंगे तो
याद करते होंगे तो रुचि से कहेंगे, हमने तो दिल से आराम बात समझाते हैं, कहां भी जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ तो बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है, सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में हम पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने बिना बाप को याद करने बिना पुजारी से पूज्य नहीं बन सकेंगे। बाप को याद करेंगे तो पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। औरों को रास्ता बताना है, औरों को रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि में भी अनेक प्रकार के हैं, शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, या तो तुम स्वर्ग का वर्षा स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता, सर्व का सदी सदगति दाता, बाप आत्माओं के साथ आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही है, असली बात क्या है, शादी मुरादी पर कहां भी जाओ, मकान किराए पर किराए में ये सॉरी कान में ये बात सुनाओ, गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है,
सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो कि भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में भी साक्षात्कार होते हैं। आवाज सुनने में आता है, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है कि बाप आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो भी तुम्हारा बीड़ा पार हो जाएगा। और बाप से 21 जन्मों का वसा मिलेगा, बाप जानते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए बच्चों के दिल से, खुशी रहनी चाहिए। कुछ भी हो जाए बाबा याद है तो खुशी जरूर होनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो तो दाता बन जाएंगे, दाता हो जाएंगे। ये रास्ता कभी भी कोई बता न सके, ये रास्ता कभी भी कोई बता ना सके। अगर वो कहें कि शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होता है होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। समय ऐसा होगा तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्यापन। अंतकाल जो शिव बाबा स्मरण करे तो अंतकाल जो शिव अर्थात अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और बाप को प्यार करो। याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उससे सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, तब प्यार होता है, तब खुशी होती है, तब प्राप्ति होती है, प्राप्ति से उमंग उत्साह के पंख निकलते हैं। दुख देने वाले को प्यार नहीं,
दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाता है। प्यार से एक बाप को याद करना है। नंबर दो, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा करने पूरा वर्षे का गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। गफलत करेंगे तो अधिकार चला जाएगा, गफलत छोड़ो पूरे वर्षे के अधिकारी बनना है। वरदान, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संस्कार स्वभाव बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ तब स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, सबसे लकी वे हैं जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। ओम शांति। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों में से किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। प्रश्न पूछने के लिए केवल व्हाट्सएप करें 9213106986। ओके ओम शांति।